सबसे पहली बात, जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का बैच कंप्लीट हो चुका है या जिन लोगों का बैच स्टार्ट है, तो उनके लिए 2024 के लिए बहुत मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख करके जाएं, अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से वर्किंग करें और इस नए साल को बहुत अच्छे के तरीके साथ में इंजॉय करें। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग जब किसी काम के लिए जाते हैं या कोई काम के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं या नए साल में कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, एक प्लान होता है कि भाई अब हमको सीख करके ये काम करके ये करना है। सबसे पहली बात क्या, जितने भी सारे लोग जो जुड़े हैं, जिन लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को ट्रेनिंग लिया है, सीखा है, तो इसमें से तीन चीज़ों पे बहुत अच्छा फोकस रखना है कि जो सीखा हुआ है उसको अमल करना है। मतलब कहते हैं नहीं, जो सीखा है उसको सिद्ध करो। सिद्ध करने का मतलब है उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, और जितना एक्सपीरियंस बेहतर होगा उतना बढ़िया अच्छे तरीके से काम करेंगे। और ट्रेनिंग के दौरान एक बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो भी सीखते हैं, तो इस 45 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है, कोई हजम करने वाली चीज़ नहीं होती कि मतलब ले लिया, खा लिया, डका लिया, काम खत्म। इसका मतलब होता है कि हमने जब कोई चीज़ को सीखा है, सीखने के बाद उसको अमल में लाना है, मतलब उस पर काम करना है, वर्किंग करना है। ये जो 45 दिन का टाइम होता है, ये सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है। इससे आपका दोस्तों काम कुछ नहीं होने वाला। काम तो आपका असलियत में तभी होगा जब आप फील्ड में जाकर के काम करोगे, जब आप मोबाइल फ़ोन बनाओगे या 2, 4, 10 डिवाइसों को ठीक करोगे, उसमें से कुछ चीज़ें खराब होंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ बिगड़ेंगी। तो जो बिगड़ेंगी उससे आपको बेहतर एक्सपीरियंस होगा, और जो बनेगा उससे आपको ये एक्सपीरियंस होगा जो हमने सीखा है वो काम हमारा आ रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये पूरा फुल्ली प्रैक्टिकली की लाइन है। फुल्ली प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा आप इस लाइन में काम करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी चार चीज़ें, नई 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 चीज़ें आदमी को सीखने को मिलती रहती हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। और सभी लोग 3 महीने 4 काम सीखने के बाद, 3 4 महीने आपको तो दिमाग के अंदर पैसा रख करके कभी काम नहीं करना। पैसा रख कर काम करने का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन ठीक होने के लिए आता है, तो हमारे दिमाग में ये थिंक होती है कि भाई हमको 200 रुपया देगा तो ये ठीक करेंगे, नहीं तो नहीं ठीक करेंगे। 3 महीने, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि 3 महीने 5 महीने आप मोबाइल फ़ोन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन आए, आप उनको जितना मिनिमम से मिनिमम पैसे में ठीक कर सकते हो। सकता है पैसा ना मिले तब भी चलेगा, लेकिन आप अपने हाथों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को बनाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में बन जाएंगे, ये काम है। और काम एक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी अगर कभी पैसों के पीछे भागता है तो उसके पास पैसा कभी नहीं आता, और जो काम के पीछे भागता है तो पैसा अपने मन से ही आ जाता है। ये बात 100% ट्रूथ के साथ मैं कह रहा हूँ कि जितने सारे बच्चे लोग हैं जो आज सीख के गए हुए हैं, वो कहीं अपना छोटा सा घर में ही काउंटर बना लेते हैं, या कहीं दुकान में काम करते हैं, कहीं शॉप में काम करते हैं, या कोई जानने वाले फ्रेंड हैं उनके पास काम करते हैं। तो आप 2 3 महीने, देखो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना भी सबको सीखा है उसको आपको 2 3 महीने काम करना है। या बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ सीख करके जब जाएंगे, तो सीखने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपना, अगर कहीं रिपेयरिंग कहीं करने जाते हैं या किसी दोस्त के पास जाते हैं या फ्रेंड के पास जाते हैं या अपना सेटअप होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग ऐसे हैं, अगर सीखने के बाद तुरंत काम नहीं करने वाले हैं, तो आप अपना घर में रिपेयरिंग का ऐसा काउंटर, ऐसा सेटअप जरूर बनाएंगे। क्यों सेटअप बनाएंगे? क्योंकि जब आपके पास सेटअप होगा तो आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन आएंगे, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, मोबाइल फ़ोन को बनाओगे, कस्टमर को या जो भी जानने वाले उनके मोबाइल फ़ोन को ठीक करके दे दोगे। तो जब ठीक करके दे दोगे तो आपके हाथ में सफाई आएगी, आपको नया नया तरीका सीखने को मिलेगा। और अगर आपने ऐसा सेटअप नहीं बनाया और आपके पास कहीं काम करने की जगह नहीं है, तो मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने के बाद ये जितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, सब चीज़ें आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों कमज़ोर हो जाएंगी? आज आपसे आईसी रिवॉल्व हो रही है, मैं कहता हूँ 6 महीने अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बॉल बनना बंद हो जाएंगे। फिर तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुमको तरीका पता है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जो आप सीपीयू एक बार में निकाल लेते हो, आईसी को निकाल लेते हो, कंपोनेंट को निकाल लेते हो, लगा पाते हो, ये सब प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आपका सेटअप जरूर बनाना है। इससे क्या रहेगा कि आपका प्रैक्टिस कमज़ोर नहीं पड़ेगा, हाथ वीक नहीं होगा। और जब देखो किसी का जगह होता है, तो कोई भी फ़ोन आता है तो बनाने का मन करता है कि चले यार मेरे से कोई फ़ोन दे दो, हम अपने वहाँ पर रख दिया और मोबाइल फ़ोन को बनाएंगे। तो
क्योंकि जैसे हम लोग घर में नहीं होता कि घर में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे तो अपना पढ़ाई लिखाई के लिए एक अपना डेस्क बनाते थे। ऐसा नहीं कॉपी किताब लेके कहीं भी घुस गए, कहीं भी बैठ के पढ़ने लगे, एक प्रॉपर डेस्क बनाते थे। डेस्क बनाने का मतलब ये होता है उस एरिया में सीखने से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमारी पास क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग सीखने के दौरान कम से कम बहुत सारे टूल्स हैं, आइटम हैं, इन सब चीज़ों को परचेस कर लेते हो, और परचेस करने के बाद बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो लोग सीख गए हैं, सीखने के बाद उन लोगों ने काम नहीं किया है, सिर्फ ऐसे बैग गए और ऐसे बैग रख दिया, जो कोई भी दूसरे काम से जुड़े थे वही काम करने लगे, फिर उन्होंने जैसे ही छोड़ा है तो फिर वो मेरे पास दोबारा साल बर्बाद सीखने के लिए आए हैं, और ये कह के कि सर मैंने जो सीखा था वो मेरे दिमाग से उतर गया है, मैं 15-20 दिन के लिए फिर आना चाहता हूँ। हम आपको मना नहीं करेंगे, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सीख के चले जाइए, लेकिन इससे क्या होगा, समय का जो लॉस होगा वो कोई जिंदगी में कोई नहीं रिकवर कर पाएगा। अगर वही लड़का अगर 1 साल अपना टेबल बना के काम करता रहता तो काम करते करते वो 4 चीजों को सीखता भी रहता, उससे लोग भी जुड़े रहते, और जब कोई भी आदमी जब किसी काम को करना छोड़ देता है तो वो काम भी छूटने लगता है ना। और ये काम ऐसा है कि अगर आप डेली करोगे तो आपके लिए 100, 200, 300, 500 रुपए कहीं नहीं गए हैं, और दूसरी बात है कि आपका हाथ साफ होता रहेगा, लोग जानेंगे, वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरे नए साल में बहुत सारी विशेष, आप अपने फैमिली के साथ में अच्छे से एंजॉय करें, और जहाँ भी आप समाज में रहें या जिस एरिया में रहें, जिस माहौल में रहें, वहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा सब लोग एक दूसरे के साथ में मिल करके रहें, हमेशा एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में किसी के साथ में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसको ना परेशान करके आप खुद अलग हो जाओ, वो सबसे बेहतर बात है, लेकिन आप कभी ऐसा काम साथ रह करके काम ना करो कि जहाँ एक दूसरे को परेशानी हो। ठीक है, परेशानी का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बहस करो, लड़ो, झगड़ो, काम खराब करो, ऐसा कुछ नहीं। और जब इस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक ही बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है कि आप हमेशा अपने पे फोकस करो, किसी दूसरे पे फोकस ना करके आप अपने पे फोकस करो। अगर आप अपने पे फोकस करोगे तो जिंदगी में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता, और जिंदगी में फेलियर आदमी वही होता है जब आदमी अपनी चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देता है। तो मैं जो वैसे बच्चे हैं जिनका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है तो वो लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे, और आज हम लोग फंक्शन को एंजॉय करेंगे, तो सब लोग आ जाइए, पहले केक काटते हैं, केक काटने के बाद सब लोग एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद जिन बच्चों को सर्टिफिकेट देना है उनको मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। गौरव तुम पास, मैं तुम ही पहले लो। आज गौरव केक के चक्कर में तो रोज हमेशा लेट आता था, इतने दिन इसको क्लास करते करते हो गया, आज तक ये टाइम से नहीं पहुंचा, सिर्फ आज ही टाइम से पहुंचा है। अभी सर प्लेट है। आप प्लेट दे दो सबको सर। जाओ जय प्रकाश। अजय भाई हमें सर पर हम बड़ा खतरे गोरो। ठीक है, इसको रखो उस वाले रूम में कर दो, कोई दिक्कत रखा ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। कोई समझाते हैं तो मान लिया हमने कोई वीडियो बनाया, तो कोई वीडियो मेरा बनाने का मतलब क्या होता है, जब भी हम YouTube में जब भी वीडियो बना करके हम डालते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो देना चाहते हैं
वो टॉपिक में कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कोई चीज छुपा के रख लूँ, मैं उसको पूरा ही देना चाहता हूँ। तो पूरा देने का मतलब क्या रहता है कि कहो उसको 15 मिनट का टॉपिक मैंने सोचा, कहो हमको समझाते समझाते, कहो खुद ही हमको नहीं पता चलता कि 25 मिनट तक चला गया, 30 मिनट तक चला गया, लेकिन उस समय पर माइक ही बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो हमको भी उस चीज का ध्यान रखना होता है। लेकिन ऐसा हम इस चीज के लिए दो दो माइक रखते हैं, ध्यान रखते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा गलती, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं बात करते समय कुछ भी हो जाए। तो आज हमारे पास अजय कुमार जी हैं, तो अजय कुमार के लिए बहुत सारी विशेष। अजय कुमार का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, और अजय जी ने मतलब यहाँ पर रह करके भी क्लास किया हुआ है और अपना अप डाउन भी किया है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ अजय जी के लिए कि अजय जी ने भी अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा मेहनत किया, पढ़ाई में भी सब चीज़ में बहुत तैयारी करी, लेकिन तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट हो गया कि कभी किस्मत के कारण से नहीं मिल पाया। तो फिर सर ने सोचा कि हम अब अपने ही बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं, और एक छोटी सी जगह के रहने वाले हैं, वहाँ पर खेती का भी काम होता है, क्योंकि हर एक आदमी, ऐसा कोई आदमी नहीं जो किसानी से ना जुड़ा हो। और जो आदमी किसानी से नहीं जुड़ा, तो मैं एक बार चैलेंज के साथ में कहता हूँ, वो आदमी कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं खा पाता, क्योंकि रोज़ खाता है, रोज़ खरीद के लाता है। लेकिन किसान ही ऐसा चीज़ होता है या ऐसा आदमी है जो किसानी से जुड़ा है, या उसका बैकग्राउंड अगर पीछे से है, मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता उसको सालों भर की कभी कोई टेंशन रहती है, हमेशा स्ट्रांग रहता है। तो अजय जी अपना इन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इन्होंने मेरे पास 15 दिन और रह करके पूरा प्रैक्टिस किया। और अजय जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ताकि आपने कैसा सीखा हुआ है, और हमारी तरफ से कोई ऐसा परेशानी है तो उस चीज़ को, परेशानी को भी बताएं, और आपके लिए क्या बेहतर लगा, और आपको इस सीखने के बाद लाइफ में आगे क्यों करना चाहिए, क्यों किया, आगे का एम क्या है, ताकि और भी लोगों को पता चले, जितने भी सारे जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लोग सीख रहे हैं वो भी उत्साहित हों, उनको भी पता चले कि किस तरीके से, क्योंकि ज़िंदगी में देखो हमेशा अच्छे बुरे की जो हमको पहचान कराता है, वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में सीनियर हमारा पहचान कराता है, जो हमारा सीनियर होता है वो हमको बताता है कि हमने ये चीज़ें सीखी, ये हमारे फ़ायदेमंद है कि नुकसान है, हमसे क्या दिक्कत रही, क्या परेशानी रही, ताकि एक दूसरे के साथ में शेयरिंग होता है। और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने से बढ़ती है। शेयरिंग करने का मतलब होता है कि अगर आपको हो सकता है कि मेरे बैच में कई बार ऐसा हुआ है, किसी बच्चे को कोई चीज़ कम समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, कई बार ऐसा ही बच्चा होता है कि जो उससे नया बच्चा वो ज़्यादा जल्दी से कैप्चर कर लेता है, पुराना नहीं कैप्चर कर पाता। तो हम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं ताकि सब लोग ही सीख करके जाना है, ताकि किसी के साथ में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो अजय जी आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं उन्नाव जिले से हूँ, और मैं आर्ट एंड कल्चर से TGT की तैयारी भी किया है, कभी 2 नंबर से कभी 4 नंबर से 2 बार रुक चुका है। तो मैं साथ में कृषि भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ में कोई टेक्निकल हैंड हो जाए जिससे अपना मैं काम चला सकूँ, इसलिए हमने मोबाइल की लाइन चुनी है। अब ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन ये इस पर ये कहते हैं रिपेयरिंग होती है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकती, इसलिए हमने रिपेयरिंग की लाइन चुनी, और यहाँ आके हमने अच्छा से सीखा भी है, और सब लोगों का अच्छा साथ भी मिला है, और लगभग सारी चीज़ें सीख भी ली है। अब मैं अपना ही दुकान खोलना चाहता हूँ फरवरी मार्च में। तो इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। देखो इन्होंने सीखने के बाद अपना प्लान बताया कि हमको फरवरी मार्च में अपनी शॉप ओपन करनी है। आप शॉप ओपन करने के लिए बीच में जो भी आपके पास जो समय है, जनवरी फरवरी जो भी 2 महीने का समय है, इस समय पे आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। दूसरी बात क्या, प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितने भी सारी आसपास की दुकानें हैं उन दुकानों पर सर्वे करें। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 2 महीने का समय है तो आप अपने आसपास के दुकानों में मिलोगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन तो दुकान वाला कितना काम कर रहा है। मैं कहता हूँ मार्केट में जब आप जाएंगे, आप 4 लोगों को मिलेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ दुकान खोले बैठे हैं, सारा सामान लिए बैठे हैं, लेकिन वो मोबाइल फोन में काम नहीं कर पाते। जब आप उनसे मिलेंगे, उनके पास कोई भी काम आएगा तो आप उनको करके दें, बोले भाई आप हमसे ऐसे ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा जरूर देंगे, लेकिन जब आप ऐसे ही करेंगे तो इससे क्या रहेगा, आपका हाथ साफ होगा। दूसरी बात, आपको अपने एरिया के बारे में अनुभव मिलेगा कि आप यह जान पाएंगे कि लोग कैसे मोबाइल फोन ठीक कर रहे हैं, कौन सा आदमी कहाँ मोबाइल फोन ठीक कराने जाता है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप एक दुकान में जा करके मोबाइल फोन ठीक करते हैं,
लोग आपके पास आते हैं मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए, जो दुकान का ओनर होता है वो सामने खड़ा होता है, जब कस्टमर देखता है कि यार इन्होंने तो मोबाइल फोन ठीक नहीं किया, ठीक तो इन्होंने किया, तो हो सकता है वो कहता है भैया एक काम करो, कोई दिक्कत है कि तुमसे फोन करके पूछ लेंगे, आप अपना नंबर दे दो। आप अपना नंबर दे देते हो तो कल को जब कोई परेशानी आती है तो वो दुकान वाले के पास ना जा करके पहले तुमको फोन करता है, यार मेरे फोन में फिर ये खराब हो गया, गड़बड़ बताओ, तो वो या तो दुकान पे ही आ जाता है या तो आपके पास आ जाता है। तो कुल मिला करके आपकी एक पहचान बनने लगती है, क्या बनने लगती है? और इस लाइन में जब आप बिजनेस लाइन में उतरना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान जरूर बनानी पड़ेगी। अगर जब तक आपकी पहचान नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको आगे से सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से, तो इसीलिए कि आपको पहचान बनानी पड़ेगी। और आपके लोकल में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके कस्बे में जितने सारे लोग हैं वो कम से कम आप जाकर के उनसे मिलें कि मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करता हूँ, कोई काम होता हो हमको याद करना, दादा कोई फोन खराब होता हो हमको याद करना। तो अगर गारंटी के साथ कहते हैं अगर आप 10,000 लोगों को टच करेंगे तो 10,000 में से 1,500 लोग तुमको जरूर फोन करेंगे, यार भैया मिले तो मोबाइल फोन काम है चलो मिल लेते हैं। तो जब आपसे मिलेंगे तो आपको काम देंगे, आपको काम देंगे तो काम बराबर पैसा, पैसा बराबर काम नहीं होता, काम बराबर पैसा होता है, जितना काम करके देंगे उसके एवरेज में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो इसलिए यही एक अच्छा तरीका है कि आप लोगों से जुड़े, लोगों को जुड़ के काम करें। अजय जी बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। और अजय जी को मैं कहना चाहता हूँ, अजय जी का बहुत अच्छा नेचर है, इतने दिन हो गए मेरे पास आते आते क्लास करते करते आज तक इनका कोई कंप्लेन कोई कभी जिंदगी में कोई सुनने को नहीं मिला है, और जो भी चीज़ें अपना शांति के साथ में सीख कर गए हैं, कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो चाहे हम हैं चाहे मोहित सर हैं चाहे अमित सर हैं किन्हीं के साथ में बड़ा शालीनता के साथ में पूछा हुआ है कि सर जो चीज़ आपने बताया था हमको नहीं समझ में आया, आप इस चीज़ को दोबारा बता दीजिए, पर्सनली लेवल पर उस चीज़ को सीखा है। यही एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी पहचान होती है जो अपने टीचर के साथ में घुल मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि टीचर आपको हमेशा सिखाने वाले होते हैं, आप हमेशा सीखने वाले होते हैं। तो ज़िंदगी में एक दूसरे के नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ में कभी ट्रांसफ़र किया जाता है, ना तो आप छीन सकते हो ना आप हमसे ले सकते हो, ना हमारी चीज़ को आप चुरा सकते हो, हमारा माइक्रोस्कोप ले जा सकते हो, आयरन ले जा सकते हो, डीसी सप्लाई ले जा सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर है वो नहीं ले जा सकते। बाकी दुनिया जान में आदमी पैसे कितना भी दे दे, 1,00,000 की जगह 2,00,000 दे दे, बाकी शिक्षा और नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी एक दूसरे की मोहब्बत से ही हासिल करता है। तो वो हमेशा एक दूसरे स्टूडेंट और टीचर के साथ में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे बरकरार रहती है, जब आप किसी टीचर के साथ में जब आप कहते हो कि सर मुझे ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई या ऐसा चीज़ नहीं हो पाया, तो मैं आपको बताऊं आपसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा उसको टेंशन हो जाती है, इसी बात की टेंशन हो जाती है कि मैंने सिखाया इसको आया नहीं, चलो हमको इसको और मेहनत करना चाहिए और फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके साथ में कहते हो ये तुमने सिखाया हमको समझ में नहीं आया हम क्या करें, अब क्या होता है कि वो लगता है कि ये सीख रहा है कि लड़ रहा है ना। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ में क्या करी जाती है, ट्रांसफर करी जाती है। और जब आप टीचर के साथ में जब अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो मैं आपको बताऊं आपसे ज़्यादा उसको 10 गुना ज़्यादा टेंशन होती है, इस बात की टेंशन होती है। जैसे कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है, हाई स्कूल पढ़ाया इंटर पढ़ाया, लेकिन जब उसका लड़का कहता है पास हो गया तो बहुत खुश होता है, और जब आप कहते हैं कि नहीं सर आपने पढ़ाया मैं फेल हो गया, तो मैं आपको बताऊं तुमसे जितना तुम फेल होते हो उससे उतना ही दुख उसको भी होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि आपके साथ साथ कहीं ना कहीं वो भी फेल होता है ना। तो आप लोग हमेशा अच्छा सीखें, अच्छी तरीके से काम करें, और कभी कोई परेशानी आए कभी कोई दिक्कत आए, क्योंकि टीचर हमेशा ज़िंदगी में अपने स्टूडेंट का मार्गदर्शन भी होता है कि अगर आपको कभी रिपेयरिंग लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है कभी कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्प के लिए फ़ोन करें पूछें, कभी लाइफ में कोई भी और भी परेशानी हो जाती है तो भी आप पूछें, इसलिए पूछें क्योंकि हो सकता है कि हमने लाइफ में बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस लिया है या इस फील्ड से निकले हैं, इस फील्ड के साथ में बहुत ऐसी परेशानी हुई है, तो आदमी एक दूसरे को साथ में शेयर करता है, क्योंकि आदमी वही एक दूसरे को जानकारी देता है जिसने परेशानी को झेला हो, और वही एक एक्सपीरियंस होता है जो आदमी करता है। क्योंकि जब आदमी परेशान होने लगता है और एक दूसरे सब जब मिल करके उसका सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेहतर काम करता है और अच्छा काम करता है, कभी नहीं परेशानी मिलती। तो अजय जी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष, आप अच्छी तरीके से काम करें और हमेशा खुश रहें। अगले स्टूडेंट है हमारे संदीप कुमार जी, आपका ही रखा है। खुश रहो। और देखो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ संदीप जी से, तो संदीप जी अपना सर्टिफिकेट लीजिए।
तो संदीप जी का भी पूरा कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स हो चुका है। इन्होंने भी अपने एजुकेशन लाइन में बहुत सारी पढ़ाई करी और लोगों को इन्होंने पढ़ाया भी है, मतलब एसएससी बैंकिंग जिसकी तैयारी करती है इन्होंने उसकी पढ़ाई कराई भी है, स्कूलों में भी जा करके पढ़ाया, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को भी पढ़ाया है, लेकिन किसी किस्मत कारण बस इनको भी कोई चीज़ नहीं मिल पाई। तो बाद में इन्होंने अपना डिसाइड किया, इनको एक फ्रेंड थे, दोस्त थे, जिन्होंने हमसे पहले बहुत पहले मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखा था, उन्होंने इनको सलाह दिया कि तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो मोबाइल फ़ोन का काम सीख लो, अपनी दुकान खोलो, छोड़ो सब चीज़ों को। तो इन्होंने फिर अपना फाइनल डिसीजन लिया, क्यों ना भाई, मैं जब इस चीज़ में दिक्कत आ रही तो मैं टेक्निकल लाइन में जाऊँ, और टेक्निकल लाइन में इनका पहले से भी इंटरेस्ट था और सीख करके आज अपना अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं। तो संदीप जी बताइए अपने एक्सपीरियंस को। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी लोगों को जो है नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भाई लोग, और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से सीखें और अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करूंगा, क्योंकि लगभग 30 के आसपास हमारी एज हो गई है, तो काफ़ी संघर्ष किया है। और संघर्ष क्या मतलब, करीब हमको इंटर किए हुए सन 2009 में इंटर किया, तब से संघर्ष ही कर रहे हैं, कई जगह हुआ, होते होते रुक गया, कितने बच्चे हमारे जो है मतलब पढ़ाए हुए सेलेक्ट हुए हैं। आज जब मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, तो मुझे मतलब किसी चीज़ का भी नहीं नॉलेज था, क्या मतलब मोबाइल में क्या होता है, अंदर क्या नहीं होता है, आम्बो और ये ग्लास छोड़ के यहाँ सर जी के पास आने के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सीखने को मिली जो है। और हमने हाँ ये इसलिए जो मतलब डिसीजन लिया है क्योंकि टेक्निकल लाइन थोड़ा ठीक भी है, और वैसे भी चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, 10-11 बजे पहले जो है कि दुकानें खुलती नहीं है, तो अपना जो स्टडी वाला भी हम काम कर सकते हैं। और एक्चुअली चुनाव की वजह से जो है हम लोगों के जो एग्ज़ाम है तो वो अक्टूबर सितंबर में चले गए थे, हमको लगा कि इसमें हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मतलब इंसान की एवरेज जो कमाने की एवरेज होती है 50-55, इसके बाद फिर वो बेकार हो जाता है। तो टाइम के हिसाब से हमने सोचा कि टाइम बेकार नहीं, तो चलो यही काम सीख लेते हैं। अब यहाँ जाने के बाद हम कोशिश करेंगे कहीं मतलब सर के संपर्क में रहेंगे, 3-4 महीने कहीं अपन जो है प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपनी जो खुद की शॉप डालेंगे और कोचिंग भी डालेंगे। और आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप थोड़ा मतलब घबराइएगा नहीं, कुछ चीज़ें नई हैं, जैसे हमारे लिए अभी हमको लगता था ये VPH क्या होता है, अभी बैट क्या होता है, तो आधी चीज़ें ये नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब हमने घर में जो है टाइम दिया, स्टडी किया, तो चीज़ें जो है समझ में आ गई हैं। थोड़ा मतलब नए नए में थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब अजीब भी लगेगा कि ये लगेगा आप छोड़ दें, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, है ना, तो ये चीज़ों पर थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा आप खुद टाइम दीजिएगा जो है। देखो सर का काम होता है, देखो हम भी इतने दिन से जो है मतलब कि टीचिंग से जुड़े थे, तो अब इसे मोटी मोटी किताबें तो पूरी किताबें तो नहीं पढ़ा सकता था मैं, क्या कितना टाइप होता है, कैसे बताना है, कितना जो छोटे छोटा जो माध्यम होता है वो बता सकते हैं। अब स्टूडेंट को मतलब जो है कि घर में जाकर तो हम जो है पढ़ा नहीं सकते हैं, और ऐसा भी नहीं जो पढ़ाए हुए सर के जो है कितने लोग आज कमा रहे हैं, मतलब बहुत लोग जो है जानने वाले कि सर के द्वारा जो पढ़े हुए बाहर भी काम कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो और इस समय थोड़ा सजेशन है कि जिनकी अपन अपना मतलब एज वगैरह है, तो इस समय जैसे पुलिस वुलिस की वैकेंसी आई है, अपना 2 महीने टाइम दे ले उधर भी, और यहाँ पे तो है ही है, इसमें लाइफ भी है, ये बहुत बढ़िया है, ये लाइफ टाइम के लिए है। आप मतलब जो है आपको ढूंढ ढूंढ के लोग जो है पता करते हैं, हमने बहुत सारी जगह पता किया है। और बाकी सर जी के अगर माध्यम रहेंगे मार्गदर्शन में तो सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू भैया। बलदेव सोनी तुम फोन ऐसे ऐसे का छोड़ दो फोन तुम्हें बेटा फोटो तो ये बलदेव सोनी जी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये MP पन्ना के रहने वाले हैं, और MP के रहने वाले, इनका पन्ना जिला जगह पड़ती है ना, तो पन्ना के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन किया, इनको कम से कम 3 महीना होने जा रहा है। दूसरी बात का, ये बीच में महीने भर के लिए घर भी चले गए थे, क्योंकि इनका अपना बिजनेस भी है, तो उस बिजनेस में से सारा सब कुछ यही देखते हैं। इन्होंने इस कोर्स को इसलिए सीखा है ताकि वो तो काम करते रहें, उस काम के साथ साथ में इसको भी ऐड करें, और वो चीज़ ऐसा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है,
ये एक ऐसी चीज है कि मैं ऐसी चीज पे स्थायी होना चाहता हूँ कि एक ऐसा फीचर हो कि जिसको मैं हमेशा लाइफ टाइम काम करूँ। लाइफ टाइम का मतलब होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, कोई सीजनेबल बिजनेस होता है, सीजनेबल का मतलब होता है वो अपने टाइम पे चलता है, उसके बाद फिर नहीं काम मिल पाता, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि अगर ऐसी चीज को सीख लेते हैं जिससे बाद वो पूरा हमेशा काम मिलता है, वो भी काम करते रहेंगे और ये भी काम करते रहेंगे, जिससे क्या रहता है उनको परेशानी भी मिलती और पैलर में एक नई चीज खड़ी हो जाती है। तो बलदेव जी आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा आपने सीखा, कितना टाइम हो गया आपको क्लास करते करते। मेरा नाम बलदेव सोनी है, मैं MP से पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। मैं मतलब सर जी की पहले वीडियो देखी थी एक दो ठो, तो मुझे लगा कि ये काम सीखना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने अमित सर जी से बात की थी पहले, तो उनने बताया अपना और फिर उनसे बात आत हुई कॉल पे, तो उन्होंने यहाँ आए कुछ मतलब सीखा पहले, तो फिर बीच में दीपावली के टाइम पे थोड़ी दुकान नुकान की थी तो चले गए थे बीच में, फिर आके अच्छे से सीखा। अब लगता है कि हमें अपना शॉप खोलना चाहिए MP में, पन्ना में जाके, तो अभी जाके वहाँ कोर्स थोड़ी बहुत बचा है वो भी लेके क्लास है, अब हम MP में दुकान खोलेंगे अपनी। तो बलदेव जी आप अपना काम स्टार्ट करें और जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, और कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो सीखने के बाद भी आप ये मत परेशान होइएगा, साल दो साल दस साल बाद भी कभी जिंदगी में ये मत परेशान होइएगा कि मैंने काम सीख लिया आज भी हमको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो ये अपने घर की तरह आप आ करके सीख करके जाएंगे, कोई कभी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, यस सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ये मोहम्मद मेहरान जी है, इनका भी पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। दूसरी बात क्या था कि ये भी किसी और फील्ड में जुड़े थे, इन्होंने जो कोर्स करने के लिए जो इनको गाइडेंस दिया, इनके बड़े भैया ने गाइडेंस दिया, वो ऑलरेडी बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने इनको सलाह दिया कि आप एक काम करो कि इधर उधर के बहुत सारी चीज़ों में आप परेशान मत हो, और ये कोई आप ऐसा स्किल सीखो, अपना ऐसा हुनर सीखो, उसको सीखने के बाद आप अपना दुकान डालो और दुनिया भर की परेशानी को छोड़ो। क्योंकि ऐसा रहता ना कि कभी कभी जिंदगी में जब कोई काम करना शुरू कर देता है, कभी दो तीन महीने ये किया, साल दो साल ये किया, दो तीन महीने ये किया, इससे क्या होता है बहुत चीज़ें जो हमको लाइफ में मिलती हैं तो हमको एक मिसगाइड हो जाता है कि हमको जीवन में करना क्या चाहिए, हमारे कोई उद्देश्य नहीं निर्धारित हो पाता। अच्छा, हमारे घर में जो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, वो हमारे लिए जो सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने इनका जो एडमिशन करा था, वो भैया ने एडमिशन करा था कि आप ये सीख करके आप अच्छा काम करो, और इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा सीखा। कभी इन्होंने आज तक कभी मतलब कभी आज तक छुट्टी नहीं किया है, डेली इन्होंने क्लासेस किया है, रेगुलर बेसिस पे आते रहे, और कभी ना छुट्टी होने की वजह से इन्होंने टाइमली अपने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और आज ये है कि अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर रहे हैं। और मेहरान जी अपना एक्सपीरियंस बताइए लोगों को, कैसा सीखा आपने? जी मैं पहले कुछ और काम करता था, लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि जब ये नहीं हो रहा है तो आप कम से कम मोबाइल टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई के साथ आया था। तो जब मैं शुरू में आया था तो मैं पहले वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, लेकिन फिर ये देख के लगता था सर बहुत आसान है, लेकिन फिर जब यहाँ आके एक हफ्ते जब प्रैक्टिस किया तो फिर पता चला कि आसान नहीं है, लेकिन जब सर ने प्रैक्टिस करवाई और सर लोगों ने मार्गदर्शन किया तो हमको अच्छा लगा, और फिर अब थोड़ा जो है हाथ सेट हो गया सर, तो अब हमको लगता है कि अब हम कर सकते हैं। तो तुमने दो चार पांच मोबाइल फोन बनाए कि नहीं बनाए अपने? जी सर बनाए। हाँ, तो बहुत सारे जो मोबाइल फोन जिनको पहले डर लगता था, कहते सर जब इन्होंने मेरे पे एडमिशन लिया था तो इन्होंने बोला था, अपने भैया के साथ ही बोला था कि भैया मोबाइल फोन आएगा मैं कैसे बनाऊंगा, तो हमने इनको बोला था कि जब तुम मेरे पास महीने 15 दिन क्लास करोगे और जब सबके साथ में क्लास करोगे तो यही मोबाइल फोन तुम अपने मन से ही बनाना स्टार्ट कर दोगे, और जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो कन्फ्यूजन है ना ये सब दूर हो जाएगी, क्योंकि जब सब लोग मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ में सीखते हैं, तो हमें और अच्छा समझ में आता है और अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मेहरबान जी आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, आप अच्छी तरीके से काम करें, और कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो हमेशा से सपोर्ट करते हैं। तो ये गौरव जी हैं और ये कन्नौज से रहने वाले, कन्नौज पड़ता ना,
हाँ, गुरसाहेगंज कन्नौज पढ़ता है। इन्होंने भी अपना पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है। ये भी यहीं हॉस्टल पे रहते थे, पूरा दिन अपना क्लास करते थे, और इनका दो चार डाउट्स अभी बचे हुए हैं, उनको भी क्लियर करके अच्छी तरीके से, इनका भी यही प्लान है कि हमको अच्छी तरीके से अपना बिजनेस करना है। तो गौरव जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं गुरसाहेगंज कन्नौज का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मार्केट में अपना फ़ोन संभलवाने आया था, डेड फोन, और मैंने देखा ईटेक इंस्टीट्यूट, मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे मुझे बहुत मोहित सर जैसे टीचर, बहुत अच्छे टीचर मिले, उन चीज़ में मुझे अच्छी तरह से सिखाया, सब ने भी हमारा साथ दिया। तो इनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग। तो आप अच्छे सीख के अच्छे जाए, और कभी कोई परेशानी आए थोड़ा थोड़ा सब मैं ही खा जाऊंगा। ये हम लोग जितेंद्र कुमार, एक और स्टूडेंट है जितेंद्र जी से मिलाना चाहता हूँ। और जितेंद्र जी को समथिंग मेरे पास कोर्स करते करते तीन से चार महीना हो गया। अच्छा, इनका काम ही ऐसा है कि ये भी मार्केट में अपना फील्ड का काम करते हैं, इनका अपना भी बिजनेस है। और दूसरी बात क्या है, इनके पास अपना फ्रूट्स का है, ये इस तरीके से अपना बिजनेस है, जिसके वजह से ये अपना ट्रेनिंग में भी समय देते थे, अपना उसको भी देखते थे। जब उसको देखते थे तो इसको कह रहे कि सर ये मैंने इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं उसकी जगह पर इस लाइन में शिफ्ट हो सकूँ। उसमें खाली हमको पूरा काम नहीं मिल पाता, अगर पूरा दिन होता तो पूरे दिन में 3-4-5 घंटे का ही काम रहता है, बाकी दिन मेरा वेस्ट जाता है। और अच्छा, इनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये भी है कि ये नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो नई नई चीज़ों में सीखने का मतलब है कि इन्होंने इस चीज़ को इसलिए सीखा ताकि ये काम सीखने के बाद हमें एक और अच्छा सा बिजनेस को प्लान कर सकें। इन्होंने जो मैंने दुकान पे, मैंने बोला कि घर पे आपको सेटअप बनाना है, इन्होंने अपना सारा सामान ले रखा है मार्केट से, हॉट गन टूल जितने भी छोटे मोटे आइटम है सब ले रखा है। घर पे इनका बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है, जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं घर पे ही रिपेयरिंग करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं, और दुकानों पे जाते हैं उनसे भी मिलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन आता है उसको भी लाते हैं, वहीं से बना करके दे देते हैं। इससे क्या रहता है कि प्रैक्टिस होता रहता है, सीखने को मिलता रहता है, कुछ पैसे का इनकम भी होता रहता है, और जो इनके पास समय रहता है वो समय वेस्टेज नहीं जाता और अच्छे अच्छे सीखते रहते हैं। तो जीतन जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर और 2024 की सबको शुभकामनाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल पर बहुत ध्यान दें, और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट नहीं एक फैमिली है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारे मोहित सर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा ध्यान देते हैं सभी बच्चों का, और जो थ्योरी है, थ्योरी में तो हमारे जो सर हैं ये तो लाजवाब हैं। और आप अपनी मेहनत करिए और अच्छे से सीखिए, और हो सके तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा फास्ट होने के चक्कर में आप नॉर्मल तरीके से आप प्रैक्टिकल करें, परफेक्ट प्रैक्टिकल करें, जिससे आपको जो चीज़ समझाई जा रही है वो प्रॉपर समझ में आए। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और लैपटॉप सॉल्यूशन सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें से बताई जाती हैं, जो जो कि आप अपना 100% देंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ये एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक फैमिली है, और मैं यहाँ से बहुत खुश हूँ। यहाँ से आके मैंने बहुत कुछ सीखा, और अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना 100% देने का जरूर यहाँ पर करें, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। अभिजीत माइटी, अभिजीत, अभिजीत, तो अभिजीत जी का भी कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन इनका दोनों कोर्स है, मोबाइल फोन लैपटॉप दोनों कोर्स है। अब इनका ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इनका दूसरा कोर्स स्टार्ट होगा। दूसरी बात क्या है, अभिजीत जी भी, ये इनका पड़ता है वेस्ट बंगाल पड़ता है ना, ये वेस्ट बंगाल से हैं, काफी दूर से हैं, और जब ये मेरे पास सीखने के लिए आए थे तो इनका जो मार्गदर्शन, वो इनके जो टीचर जो सर हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया कि आप जाओ एक ऐसा काम सीख करके आओ जिसके तरीके से आप अच्छी तरीके से सफल हो सको, और इस लाइन में इनका इंटरेस्ट भी बहुत था। तो बताइए सर अपने बारे में। जी सभी लोग को पहले बोलता हूँ हैप्पी न्यू ईयर सभी लोग को। जी मेरा नाम अभिजीत माइती, मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाला हूँ।
जी मेरा एक साइबर कैब का बिजनेस है मेरा गांव में, तो वहां पर मैं साइबर कैब का मैं काम करता था। उसके बाद मेरा एक लड़का आया था जो जॉब ढूंढने के लिए, तो उसने बोला भाई तुम्हारे पास कोई जॉब है तो या तुम्हारे साइबर कैब में कोई काम है तो मेरे को दो यार। तो उसको उसके लिए मैं 30,000 रुपया खर्च करके सब मशीन सब मैं खरीदा, लेकिन मोबाइल रिपेयर के बारे में कोई भी मेरा 1% भी नॉलेज नहीं था, सिर्फ उसके लिए मैं खरीदा। तो वो लड़का एक महीने भी नहीं हुआ वो लड़का चला गया। तो उसके बाद तो मैं क्या करूं, तो मेरा भी इंटरेस्टिंग था मोबाइल के बारे में, तो यहाँ पर सोविज का यूट्यूब चैनल में देखा कौन सर कितना अच्छा सिखाता है, और मैं बहुत सारे का मैं नॉलेज लिया यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पर मेरा जो गुरुजी है मेरे गांव में जो मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, आज भी मेरे को बहुत सपोर्ट करता है, यहाँ पर जो आया वो मेरे को पैसा दे के मेरे को भेजा खुद के। और वहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे जो सर वहाँ पर यूट्यूब में पहले देखा जो सर का वीडियो, तो वो सभी का वीडियो देखा, उसके बाद बोला जे सर अभी तुम यहाँ इस सर के पास जाओ, जो वो गुरुजी मेरा सर के साथ फोन में बातचीत किया, मैं तो मेरे को यहाँ पर भी भेजा। मैं कभी भी यूपी तो नहीं आया, तो मैं बहुत सर के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सब कुछ सीखा, मोहित सर मेरे को पूरा तो पहले से पूरा हाथ पकड़ के सिखा रहा है, आज भी सिखा रहा है सर, सभी सर मेरे को बहुत सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जो मेरा यही कॉन्फिडेंस आ गया जो मैं खुद का दुकान खुलने के बाद मैं काम कर सकता हूँ, इतना मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। तो सर यही मेरा बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पर सभी लोग आ जाइए, सभी का फीस भी यहाँ पर बहुत कम है, और वेस्ट बंगाल में लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ जो सबा इखने चले आसुन, तो इखानटे खूब मैंने खूब सुंदर जगह, इखानटे सबा फ्रेंडलि मेसे हाँ कोनो किछु असुविधा हबे ना, सबाई चले आसुन एटाओ बोलबो, सब खूब भालो इखानटे एकबार विश्वास करे देखुन एकबार। तो अभिजीत जी माइटी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये भी पूरा दिन क्लास करते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को भी अगर एक्स्ट्रा रुकना है तो भी रुकते हैं, और जितने भी सारे बैच में जो भी बच्चे हैं सबके साथ में यूजर फ्रेंडली बिहेवियर है कि एक दूसरे के साथ में कोई चीज़ अगर इनको कुछ कह देता है तो ये खुद ही पीछे हट जाते हैं, और यहाँ तक कि कोई बच्चा ऐसा है जो साथ में अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो खुद उसको समझा देते हैं, क्योंकि सीनियर का देखो एक ही फर्ज होता है कि अपने जूनियर के साथ में मदद करे, अगर सीनियर अपने जूनियर के साथ में मदद करता है तो वही सीनियर का नालंद आएगा, नहीं तो जिंदगी में कभी सीनियर रहता है, क्योंकि तुम भी बराबर के वो भी बराबर के। तो सीनियर आप तभी हो सकते हो जब अपने जूनियर की मदद करें, अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत आ रही तो उसको सीखने सिखाने में मदद करें, ताकि वो भी अच्छी तरीके से सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सके। अब मैं आपको देखो जितने भी सारे लोग हैं, ये तो सर्टिफिकेट जिन बच्चों को मिल गया है सब लोगों ने अपना रिव्यू दिया है, अब आप लोग भी जितने भी सारे जो लोग नए लोग सीख रहे हैं तो आप लोग भी एक एक करके अपना रिव्यू दे दीजिए, ताकि आप भी लोग मेरे साथ में वीडियो में आ जाएं। आप लोग सभी लोग खड़े होकर के एक एक करके रिव्यू दे दीजिए, माइक अपने हाथ में लिए रहिए, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ से कैसे सीख रहे हैं। मैं अशोक कुमार यहीं कानपुर से हूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता था, सर से हमारी बात हुई हमें अच्छा लगा तो हम यहाँ आए और सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, हमारा कोर्स हो जाएगा इसके बाद हम अपनी शॉप ओपन करेंगे। जी सर मेरा नाम आयुष राठौर है, मैं मैनपुरी जिले का रहने वाला हूँ। सर के वीडियो में पहले यूट्यूब पर देखता था, देखने के बाद मैंने एक महीने बाद डिसाइड किया कि मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे यहाँ आए 15 दिन हो गए हैं, अभी मेरा कोर्स होना बाकी है, और जब मेरा कोर्स हो जाएगा तो मैं अपनी खुद की शॉप डालना चाहता हूँ। थैंक यू। जी मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं बांदा जिले से हूँ, मेरा समथिंग एक महीना होने को आया है लगभग, अभी एक महीना और बाकी है, इसके बाद मैं खुद की होली मार्च तक होली में दुकान खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले से ही वीडियो देखता था सर जी के, इसलिए मैं वहाँ से फ़ोन में बात भी की फिर इसके बाद आया था। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं भी बांदा जिले यूपी का रहने वाला हूँ, और मेरा भी कोर्स लमसम कम्प्लीट होने वाला है, और इसके बाद मैं भी जाके अपने ही शॉप वहाँ पे करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अशुपाल नाव से हूँ, मैं भी यहाँ सर का वीडियो देख के आया हूँ कोर्स करने के लिए। थैंक यू।
मैं मुकेश कुमार बिहार से दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। सर का वीडियो देख के आया था। मैं तमिलनाडु में वैसे ठेकेदारी भी चलाते थे और मेरा अपना खुद का दुकान भी है इलेक्ट्रिक का, जिसमें पंखा और बल्ब वल्ब सब बनाते थे। तो बस यहाँ से सीखने के लिए आया हूँ। 15 से 20 दिन हुआ है, अभी तक तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया, अभी होने के लिए बाकी भी है। और जो यहाँ आना चाहता है आ सकते हो, यहाँ बेहतर तरीके से सिखाए जाते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। सर का वीडियो देख आया हूँ। मेरा 1 महीने का कोर्स हो चुका है, 15 दिन कर गया, उसके बाद अपनी दुकान खोलूँगा। मेरा नाम मनोज गुप्ता है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखता हूँ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम अपनी दुकान खोलेंगे। हेलो, छोटे हो गए दुकान खोलेंगे। अरे दिल्ली का रहने वाला, मेरा नाम शिवरदान है। मैं यहाँ पे 15 दिन से वर्क कर रहा हूँ, मोबाइल का रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहा हूँ। यहाँ से सीखने के बाद अपनी खुद की शॉप डालने के लिए सोच रहा हूँ। उसके बाद नाम मेरा एस एस मोर्य है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। कुछ टेक्निकल सीखने की मेरी बचपन से इच्छा थी। मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे, लेकिन ई टेक इंस्टीट्यूट का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा करके मैंने एडमिशन लिया। आज ही मेरा पहला ही दिन है। सर मेरा नाम ऋषभ जायसवाल है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे इलेक्ट्रॉनिक काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं मोबाइल का काम सीख रहा हूँ। हाय, मेरा नाम मंदार है, मैं मुंबई से हूँ और मैं मोबाइल रिपेयरिंग मेरी हॉबी है, इसके लिए मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। और इस ख़त्म होने के बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इसका एक मोटा बड़ा बिजनेस चालू करूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रदीप राठौर है, मैं जिला महोबा का रहने वाला हूँ। यहाँ सर के वीडियो देख कर यहाँ पर आया हूँ मोबाइल कंप्यूटर का काम सीखने के लिए। तो साहब, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और मोबाइल रिपेयरिंग हम सीख रहे हैं। मैं अभी हमको 1 हफ्ता हुआ है और अच्छे से सीख रहे हैं। धन्यवाद। तो जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट हैं, सब लोगों ने देखो आपके सामने रिव्यू दिया। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अभी पिछला बैच कम्प्लीट हुआ है और वो सब लोग सीख करके जाएंगे। उसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका तो बैच कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वीक है, जिनका किसी कारण से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या उन्होंने छुट्टी कर लिया, पर्सनली छुट्टी कर लिया है, तो छुट्टी कारण से वो चीज़ उनसे छूट गई है, तो वो लोग भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट जो सब लोग सीखने के लिए आते हैं, सब लोग सीख करके जाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो भी बच्चे लोग सीखने आते हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह होते हैं। और वो फैमिली होने का मतलब क्या रहता है कि हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, दूसरी बात क्या, मेरा घर यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं रोज चाहूँ तो डेली अप डाउन कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटी है। लेकिन मैं इसलिए बच्चों के साथ में रुकता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब इतना दूर से आते हो सीखने के लिए, तो मेरे लिए इतनी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट है उसका एक भी टाइम वेस्ट जाए या उसका टाइम बेकार जाए। और जब उसका सुबह 8 बजे से क्लास होना होता है और 8 बजे के कारण से अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैं खुद इस चक्कर में उस चीज का फोकस रखता हूँ कि बच्चे का टाइम ना वेस्ट हो और वो सीख करके अच्छी तरीके से जाए, ताकि वो जब उतनी दूर से छोड़ करके मेरे पास सीखने के लिए आए हैं तो मैं पास में हो करके भी कभी ऐसा ना हो कि उनका कोई भी समय ऐसे ही बेकार जाए और किसी कारण से बस से ना सीख पाए। और आप लोगों से मैं इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छा सीख करके जाएं, और जितने भी सारे सब लोग सीखने के लिए आए हैं तो सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। क्योंकि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो काम टीम वर्क के साथ में होता है वो काम कभी जिंदगी में अकेले में नहीं होता, हमेशा टीम के साथ में काम होता है और अच्छा सीख करके एक बेहतर काम होता है। और अभी जी आप थोड़ा सा फोन पकड़ लीजिए, वो सर फोन दे दो साथ में, सर भी आपको संबोधित करेंगे कि आपको पूरा सिखाने के लिए जितना भी मैं भी जो सारी चीजें सिखाता हूँ, सारी चीज सिखाने के बाद आपको मोहित सर उसका प्रैक्टिकल कराते हैं, एक एक करके समझाते हैं। यहाँ तक कि मैंने मोहित सर से ये भी कह रखा है कि हर एक बच्चे को, क्योंकि मेरे पास जो भी बच्चा सीखने के लिए आता है वो पूरा सीख करके ही जाता है, उसके सीखने के लिए हम लोग 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। एक तो पहली चीज तो मैं खुद बच्चे को ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ, उसके बाद मोहित सर उस चीज़ को प्रैक्टिकल कराते हैं, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करता हूँ। यहाँ तक कि उस चीज़ के लिए मोहित सर से ये भी मैंने कह रखा है कि हर बच्चे से जो भी चीज़ सिखाई जाती है उससे पूछें, खोद खोद करके उस चीज़ को पूछें।
ताकि आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी बुरा ना माने कि आपसे कोई भी चीज पूछी जा रही है। सिखाने के बाद आपका मेरा पूछने का हक बनता है। मैं खुद पूछूंगा तो हो सकता है कि मेरे कहने पर आप ये कह दो नहीं सर जी आपको जो आपने समझाया मुझे समझ में आ गया, हो गया मेरा। इसलिए मैंने सर को इसलिए दे रखा है ताकि सर हर एक चीज आपसे बार बार पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं ताकि आपके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इतनी रत्ती भर कमी नहीं रहनी चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से कंप्लीट होकर के जाए। अगर कोई कमी रह जाती है तो शाम तक सर आपको हफ्ते भर के अंदर जरूर फीडबैक देते हैं कि सर इस बच्चे के साथ में कमजोरी है, इस बच्चे के साथ में ये वीकनेस है, ऐसा फीडबैक देते हैं। जब ऐसा फीडबैक देते हैं तो हम उस चीज के लिए जो ऐसे कमजोर बच्चे होते हैं उन पे हम और फोकस करते हैं कि भाई उनको कभी परेशानी नहीं रहनी चाहिए, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो मोहित सर आपको सिखाने में बहुत मदद करते हैं और अच्छा सीख करके जाएंगे, इसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जैसे हम मेहनत करते हैं उसी तरीके से वो भी सर मेहनत करते हैं ताकि आप सीख करके अच्छी तरीके जाएं। बताइए सर थोड़ा सा। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज सब लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो सीखने में क्या रहता है कि आप लोग मेहनत भाई आप लोगों की रहती है, हमारा तो मतलब ये है कि हम लोगों को कुछ होता नहीं है क्योंकि वो सब अभी याद हो गया, इतने दिन काम करते करते हो गए। तो आपकी कैपेसिटी होना चाहिए, जितना ज़्यादा तुम ले पाओगे उतना ज़्यादा रहता है। हमारा जितना भी हो जाता है तो हम पूछते रहते हैं कि भाई अभी क्या रह गया क्या रह गया, और सारी चीज़ मैं प्रॉपर कंप्लीट कराता हूँ। और जो भी कभी भी कोई भी डाउट हुआ करे तो सब लोग जितने लोग सीख रहे हो वो उतने तो पूछ ही सकते हो, और जितने लोगों को आना है तो उनके लिए प्रॉपर गाइड है कि आप लोग आओ और आप सीख के रही जाओगे। तो सर आपको अमित सर एक मिनट के लिए आ जाइए। दूसरी बात क्या है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ अमित सर से। और अमित सर आपको जितने भी सारी जो भी आप लोग को ट्रेनिंग लेते हैं, कहते नहीं है कि देखो सब जैसे कहते शादी होती है तो शादी सिर्फ दो ही आदमी की होती है, किसकी होती है, दो लोग की, लड़का लड़की के। लेकिन वहां पर एक फैमिली की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक पिताजी की तरह हमेशा उसका संरक्षण करने के लिए सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो घर के गार्जियन होते हैं। कहते नहीं, जब भी आप कहीं जाते हो स्कूल में दाखिला कराने के लिए, एडमिशन लेने के लिए या किसी काम के लिए, तो आपसे एक ही शब्द पूछा जाता है कि आपके गार्जियन कौन है। गार्जियन का मतलब ये नहीं कि आपके पिताजी कौन है, आपका गार्जियन कौन है। गार्जियन क्यों पूछा जाता है, गार्जियन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भाई आपका तो काम करोगे लेकिन आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सर यहाँ पर गार्जियन की तरह आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, और आप लोग जब जाते हो तो अच्छा सीख करके जाते हो, तो उसको सीखने के लिए जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी सारी चीजें मैनेज करना है, कहीं से मोबाइल फोन रिपेयरिंग सिखाने के लिए कोई भी चीज जब नहीं होती तो कहीं से भी उनको, पूरी मार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, उस चीजों को ढूंढ करके लाते हैं, और हर एक बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बोर्ड देते हैं, सामान लाते हैं उनके लिए, सब चीज ए से लेकर जेड तक। क्योंकि हम आपको बेहतर तभी सिखा सकते हैं जब आपको बेहतर सिखाने में सर मदद करते हैं। तो आप लोगों के लिए आज अमित सर भी आपको संबोधित करेंगे, बताइए सर। हेलो दोस्तों, मैं अमित बात कर रहा हूँ, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बताना चाहेंगे जो कि आते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि रहने खाने पीने के लिए सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। और रही बात इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे आपको 8 घंटे परमानेंट क्लासें मिलती हैं। क्लास मिलने के बावजूद जो बच्चे हमारे रहते हैं वो हॉस्टल में रात दिन रहते हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, ठीक, परमानेंट बच्चों के साथ में रहते हैं। और बच्चों के साथ रहने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि बच्चों के कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर करते हो, कि प्रेशर करने का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें, हमारा भी घर है नजदीक पे, घर है, हम भी घर जा सकते हैं। सिर्फ हम बच्चों की वजह से रखते हैं क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और उनके यहाँ पे गार्जियन के रूप में हम ही होते हैं, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई रिलेशन, भाई बहन फूफा चाचा कोई नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ हम और हम होते हैं, ठीक है। तो आप आराम से आइए, सारी जिम्मेदारी आप अपने घर से निकलिए, हमको फोन करिए, फोन करने के बाद ट्रेन में हम आपको फॉलो करेंगे, आते जाते हम आपको स्टेशन लेने भी जाएंगे, कोई भी रास्ते में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप हमको तुरंत कॉल कर सकते हैं, रात में 12 बजे भी कॉल करेंगे, हमारी कॉल उठेगी। ओके सर, और यहाँ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे टीम में जितने भी सारे पर्सन हैं, जैसे हम हैं, अमित सर हैं, मोहित सर हैं, एक और सर हैं, रवि सर हैं, और राजकुमार सर हैं, शैलेंद्र सर हैं, तो इस तरीके से हम लोग 5-6 लोग हैं जो हम आपको, इसमें तो कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपको सिखाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, या बाहर टीम से लोग जुड़े हुए हैं जो आपको एक बेहतर तरीके से सिखाने। हमारा सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही मिशन है कि हमारा जो भी बच्चा है वो अच्छी तरीके से सीख करके जाए। और मुझे जिंदगी में उस दिन मेरा खुशी होता है जब मेरा बच्चा सीख करके जब अपना दुकान खोलता है, अपना काम करता है और कहता है सर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया और मैंने अपनी दुकान खोल ली, मैंने अपना काम अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया। तो मुझे इसलिए खुशी होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया जान से, मैं गरीबी को तो नहीं हटा सकता लेकिन गरीबी का कारण जरूर हटा सकता हूँ, क्योंकि हर एक आदमी की गरीबी का सिर्फ एक ही कारण है, वो है बेरोजगारी। अगर आदमी के हाथ में हुनर होगा तो आदमी कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होगा, और जिस आदमी के हाथ में हुनर है उसको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग नए साल में एक नए संकल्प के साथ में काम करिए, अच्छा काम करिए और सीख करके जाना है, इस बात का हमसे वादा करना है कि जितने भी सारे लोग हैं सब लोग प्रॉपर तरीके से सीख करके जाओगे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए, आप पर्सनल लेवल पे किसी भी चीज़ की दिक्कत है आप हमसे शेयर करिए, आपको हर संभवता आपको मदद मिलेगी हर तरीके से। मैं जी जान लगा दूंगा आपको सिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको सिखा के ही भेजूंगा। सिर्फ आपको इस बात की आशा नहीं तोड़नी है कि मैं किसी कारण बस सीख नहीं पाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आज 45 दिन की तो बात छोड़ो, महीने दो महीने की बात छोड़ो, आज से 2 साल बाद भी मैं चैलेंज के साथ में बात करने को तैयार हूँ कि आप अच्छी तरीके से सीख करके जाएं, आपको कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरीके से सफल हो। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारा अच्छा स्टूडेंट सीख करके जाए, अच्छी तरीके से जाए। उसके लिए सिखाने के लिए जो भी मेरे को जी जान से मेहनत करने की मैं करूँगा और अपने स्टूडेंट को सफल करके ही भेजूंगा।